नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 बार जीत दर्ज करके जीत की हैट्रिक लगा दी है। अब ऐसे में नायब सिंह सैनी सूबे में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री पदों के बंटवारे और विभागों के बंटवारे पर काम किया और ऐसे में हरियाणा की नई सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हुए अनिल विज एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज ने सोमवार को अम्बाला कैंट बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं में कई कमियों पर अधिकारियों की खिंचाई की। अपने दौरे के दौरान विज ने बस स्टैंड प्रभारी को निलंबित करने का निर्देश जारी कर दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्री अनिल विज ने विसंगतियों के लिए हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को फटकार लगाने के अलावा बस स्टैंड प्रभारी अजीत सिंह को निलंबित करने का निर्देश जारी किया है। दुर्गंध को देखते हुए गंदे शौचालयों और पेयजल को लेकर कमियों के मामले में विज ने बस स्टैंड प्रभारी पर कार्रवाई के आदेश दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को ट्रांसपोर्ट मंत्रालय आवंटित होने के एक दिन बाद निरीक्षण करते हुए अनिल विज ने कहा, अम्बाला कैंट बस स्टैंड पर अनियमितताओं की जाँच एक सीनियर IAS अधिकारी द्वारा की जाएगी, जबकि दुकानों के लिए टेंडर और अन्य संबंधित मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पूछताछ काउंटर पर बसों के आगमन और प्रस्थान के समय के डिजिटल प्रदर्शन की व्यवस्था करने का भी निर्देश जारी कर दिया है। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड पर खाने पीने की दुकानें अपने निर्धारित स्थान से अधिक फैली हुई पाई गईं, जिसके बाद विज ने अधिकारियों को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा करने और आवंटित क्षेत्रों के बाहर रखे गए सामान को जब्त करने का निर्देश भी दिया। बस स्टैंड पर फटे हुए साइन बोर्डों के बारे में पूछताछ की गई। अधिकारियों ने दावा किया कि वे तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस पर मंत्री ने सवाल किया कि उन्हें अभी तक ठीक क्यों नहीं किया गया। उन्होंने निर्धारित स्थानों पर बसें खड़ी ना करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ भविष्य में कार्रवाई किए जाने की भी बात कह दी। आपको बता दें कि अनिल विज के पास जब मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य और गृह विभाग थे तो वे अक्सर राज्य भर के विभिन्न दफ्तरों में औचक निरीक्षण करते थे और जहां भी उन्हें कमियां मिलती थी कार्रवाई करते थे। अब ऐसे में अनिल विज जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं तो स्थिति साफ है कि अनिल विज कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े मंत्री पदों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे उसके बावजूद नायब सिंह सैनी द्वारा जिस तरह से उनको परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है तो कहीं ना कहीं वो परिवहन मंत्रालय को लेकर भी यहाँ पर खुश हैं और ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।